हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट फेज के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आओगे तो आप लोग को एडमिशन वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीजी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फेज़ वन का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज का मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया गया है। तो सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल 14 कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज किया गया है। आप लोग देख सकते हो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है, मास्टर ऑफ आर्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का निकाला गया है, एजुकेशन ये सारे मास्टर ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का अभी निकाल दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक्स म्यूजिक फिलोसफी संस्कृत सोशियोलॉजी उर्दू एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन सारे कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है वो भी रिलीज कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो तो इसमें जो है केवल अभी मास्टर ऑफ आर्ट का ही रिलीज किया गया है, मास्टर ऑफ साइंस का अभी रिलीज नहीं किया गया है। सो आप लोगों को अभी वेट करना होगा उसके लिए। जैसे ही आएगा इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो अगर आपने अप्लाई किया था मास्टर ऑफ आर्ट में किसी भी कोर्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हो, और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के लिए भी यहाँ पे रिलीज किया गया है तो आप लोग इसका भी ओपन करके देख सकते हो। और चलिए देख लेते हैं कि आगे मेरिट लिस्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सो यहाँ पे हमने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का मेरिट लिस्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 25 हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स केवल 25 हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है इस मेरिट लिस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाते हो तो आप जो है इन्हें ग्रीवेंस दे सकते हो। ग्रीवेंस देने का मेल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा admission@dhsgsu.edu.in। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को जो है अपना ग्रीवेंस देना होगा। कब तक आप दे सकते हो तो 22 अक्टूबर तक आप लोग दे सकते हो, शाम के 5 बजे तक। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है अपडेट करना होगा, जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है सेम एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेम यही चीजें कही गई है कि आप लोगों को अपना एसटीएससी कार्ड सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा, जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना जरूरी है। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कब का बना होना चाहिए, ये आप लोग जो है आफ्टर अप्रैल अगर आपने बनवा रखा है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज आप लोगों को फिर से बनवाना होगा। ओके, सो यही इस मेरिट लिस्ट में बताया गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और जितने भी मेरिट लिस्ट हैं सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।